हेलो एंड वेलकम टू द मेक बिलीव पॉडकास्ट। ये है आरती, ये है कशिश, ये है आकाश। तो लॉकडाउन खुलने लगा है धीरे धीरे। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ, बट ऑब्वियसली अभी बाहर जाना तो स्टार्ट नहीं कर सकते। तो वी आर मिसिंग आवर फ्रेंड्स, वी आर मिसिंग फूड एंड वी आर मिसिंग परफॉर्मेंसेस, पर सबसे ज्यादा हम लोग अपनी ऑडियंस को मिस कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी ऑडियंस भी हमको मिस कर रही होगी। नाटक में ऑडियंस का बहुत बड़ा रोल होता है, मतलब रोल तो एक्टर्स ही कर रहे होते हैं, मगर ऑडियंस का भी बहुत बड़ा काम होता है। ऑडियंस के बिना नाटक नहीं सिर्फ रिहर्सल हो सकती है। एक्टर लोग ही हमेशा बात कर रहे होते हैं कि उनको ऑडियंस से कैसी एनर्जी मिली, और प्रोडक्शन की शुरुआत से लेकर शो तक, अभिनेता से लेकर कॉस्ट्यूम डिजाइनर तक, टीम का हर सदस्य जो कुछ भी करता है दर्शकों के लिए करता है। तो कुछ एक्टर्स सिर्फ अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं जैसे आकाश, पर आज हम लोग आपको अपनी ऑडियंस के किस्से सुनाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद पटना। हमारा लास्ट ट्रिप जो था वो पटना को ही था। तो हम लोग जुनून एडवेंचर्स की तरफ से गए थे और हम गोल्डन फिश परफॉर्म करने गए थे। इसके चार शोज थे वहाँ पे, हमने एक दिन में दो शोज किए और बाय दैट टाइम बहुत सारे बच्चे स्कूल के शो को देख चुके थे। तो हम शो करने के बाद पैकअप करके एक कैफेटेरिया टाइप जगह पर बैठे हुए थे और हमारे चारों तरफ बिल्डिंग्स थी, बिल्डिंग्स में क्लासेस थी और ऑलमोस्ट सारे बच्चे देख रहे थे कि यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं आर्टिस्ट से। तो पहले तो एक दो बच्चे आए कि हमें ऑटोग्राफ दे दो, ऑटोग्राफ दे दो। तो हमें तो बड़ा स्ट्रेंज लगा कि उनको हमारा ऑटोग्राफ चाहिए, पर हमने दे दिया। उसके बाद उनके दोस्त आ गए, फिर उनके दोस्त आ गए, धीरे धीरे वहां पे 100-200 बच्चे इकट्ठा होगा या सब ऑटोग्राफ 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 एक एक बंदे से, म्यूजिशियन हो या बैक स्टेज हो या मेन कैरेक्टर हो, हर किसी का ऑटोग्राफ ले रहे हैं। और दो तीन बच्चे अपना कॉपी लाना भूल गए तो कह रहे हैं हाथ पे साइन कर दो, मुंह पे साइन कर दो। सो स्वीट एंड सो टेरिफाइंग एट द सेम टाइम। और जो टीचर्स थी वो तो पागल ही हो गई थी, वो कह रही थी भागो यहाँ से, लेट देम ही, डोंट डिस्टर्ब द आर्टिस्ट। पर हमें तो मजा ही आ रहा है। इन्होंने अच्छा भी किया उन्होंने, बिकॉज़ वरना हम शायद पूरे दिन खड़े रहते हैं वहां पे साइन करते हुए। वो भी है, वो भी है। तो पटना से एक चीज और याद आई, क्या होता है गोल्डन फिश प्ले में मैं जब बूढ़े मछुआरे का रोल प्ले कर रहा होता हूँ तो मैं जब भी सागर तट पर जाता हूँ मछली को बुलाने के लिए तो मैं एक गाना गाता हूँ, ओ सोने की मछली, और ऑडियंस इसको रिपीट करती है, ओ सोने की मछली। तो प्ले में कम से कम 6-7 बार ये होता है और सबको गाना याद हो जाता है इजीली। तो अब हुआ ये था कि जब हम शो खत्म कर चुके थे, हमने अपना बैग पैक कर लिया था, हम लोग जाने के इंतजार में थे, तो मैं और आरती हम दोनों फोन पे बात कर रहे थे और ऊपर रेलिंग पे कुछ बच्चे खड़े हुए थे तो वो जोर से चिल्ला रहे थे, बूढ़े मछुआरे सोने की मछली, वो लोग हाई कर रहे थे हमें। तो हमने उनको हाई किया और बस वापस अपने फोन पे लग गए। तो उनको लगा कि हम इग्नोर कर रहे हैं, तो उन बच्चों ने गाने गाना शुरू कर दिया, ओ सोने की मछली। फिर कुछ देर बाद कुछ दूसरे बच्चे थे, उन्होंने भी ज्वाइन करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करते करते सारे स्कूल के बच्चे गाना गा रहे थे और पूरे स्कूल में आवाज गूंज रही थी, रोंटे खड़े हो गए थे। It was very overwhelming. अच्छा, पटना से एक और बहुत रंगीन किस्सा याद आता है मुझे, बट मैंने किसी को बताया नहीं अभी तक, दिस इज द ग्रैंड रिवील। तो ये समझने के लिए दो चीजें जानना जरूरी है, एक तो स्टेज ओपन में था ग्राउंड में और स्कूल का मेन बिल्डिंग थोड़ा सा दूर था उससे, तो बहुत दूर नहीं है, पर अगर आपको वॉशरूम जाना है या पानी पीने जाना है तो आप शो के बीच में नहीं जा सकते हो। तो और दूसरी बात ये कि मैं जिस दिन शो होता है, मैं मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट जिस दिन उनका शो होता है बहुत सारा पानी पीते हैं ताकि अच्छे से हाइड्रेटेड रहे और आवाज अच्छी निकले। मैंने बहुत सारा पानी पिया हुआ था और मैं शो के बीच में वॉशरूम नहीं जा पाई। तो जब मैं शो के बाद गई मैं काफी अर्जेंटली गई, तो मैंने जाके थोड़ा सा मेकअप वेकअप हटाया और तब एक टीचर आ गए अंदर। पहले तो उन्होंने मुझे पहचाना नहीं, पर स्माइल किया तो मैंने भी स्माइल किया। तो मैं स्टॉल में घुसने लगी तो तब वो पहचान गई, तो उन्होंने कहा अच्छा आप तो शो कर रहे थे यहाँ, उन्होंने कहा बहुत अच्छा शो था, मैंने कहा थैंक यू सो मच। फिर मैं स्टॉल में चली गई, वो साइड वाले स्टॉल में चली गई और पता नहीं क्यों उनको लगा कि ये टाइम सबसे अच्छा टाइम है बात करने का। तो मैं अपना मूत्र विसर्जन, वाटरिंग द प्लांट्स, देयर वर नो प्लांट्स, देयर वर नो विसर्जन, ठीक है, आई वाज डूइंग माय बिजनेस। तो शी स्टार्ट्स टॉकिंग देन, तो वो मुझसे कोई सवाल पूछे और मैं रुक जाऊं, तो वो पूछ रही है कि अच्छा आप दिल्ली से हो, हाँ,
और तो क्या स्टूडेंट हो हाँ ग्रेजुएशन खत्म हो गया पर अभी थिएटर करती हूँ और आई नो दैट शी कैन हियर मी स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग बिकॉज आई कैन हियर हर और देखो दुनिया में बहुत सारे काम है जो मैं एक साथ कर सकती हूँ पर ये मुझसे नहीं होता मल्टीटास्क और अगर कोई तरीका होता कि एम्बैरेसमेंट से आपकी मौत हो सकती है तो वहां मेरा क्रियाकर्म हो चुका होता तो अब मैं वेट कर रही हूँ कि वो निकल गई बाहर तो और मैं बाहर नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ वो चली जाए वहां से आई कांट फेस हर आफ्टर दैट और अगला शो शुरू करना है तो सर फोन कर रहे हैं मुझे कि तुम कहाँ हो तुम मैंने फोन उठा के बोला आ रही हूँ तो उन्होंने बोला क्या कर रही हो ये जो चल रहा था इसको डिस्क्राइब करने के लिए कोई शब्द था नहीं मेरे पास तो मैंने फोन ही काट दिया अब आई नो दैट शी कैन हियर मी टॉकिंग ऑन द फोन आल्सो नाउ आई एम इवन मोर एंबैरस्ड आई जस्ट वांट टू गो आउटसाइड बट शी इज नॉट लीविंग वो मुझसे बात करना चाहती है तो वो वेट कर रही है पर फाइनली वो चली गई मतलब दो तीन मिनट हुए होंगे इस पूरे एपिसोड में मेरे को ऐसा लगा जैसे दो दस घंटे निकल चुके हैं तो मैं फाइनली निकल के गई वापस और सर ने पूछा कि क्या कर रही थी तुम मेरे को मत पूछो nice to listen to now how did you feel after that pissy shut up I was not pissy I was very relieved yeah relieved describes it nicely to kashish tum batao kuch ha tum kuch batao well मैं ऐसा मतलब उतना कुछ ऑडियंस से अटेंशन नहीं मिली है यूजुअली नाटक में म्यूजिशियन को कौन ज़्यादा अटेंशन देता है आप शो खत्म होता है एंड ऑडियंस सारी भागती एक्टर्स के बात करने एंड म्यूजिशियंस अपना अकेले पैकिंग पैकअप माइक को पैक कर रहे हैं हाँ गिटार पैक कर रहे हैं 50 बैग लेके घूमते हैं और बोल रहे हैं पैकिंग पे प्रॉब्लम हाँ तो अब कभी कभार गलती से कोई एक जना आके बोल देता है कि आई लाइक द म्यूजिक वेरी मच एंड थैंक यू ग्रेट तो बट कुकड़ू को चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल में हम दो बार परफॉर्म कर चुके हैं वहाँ और दोनों बार आई डू नॉट नो हाउ व्हाई बच्चे पागलों की तरह भागे आते हैं आपकी तरफ यार और इवन मी दे आस्क मी फॉर सिग्नेचर सारे इकट्ठा हुए मेरे सामने एंड सिग्नेचर मांग रहे हैं एंड मैंने जिंदगी में लाइक चेक पे इतने साइन नहीं किए होंगे जितने मैंने वहाँ उनके लिए ऑटोग्राफ दिए चेक साइन करने के लिए ना अकाउंट में पैसा होना चाहिए बिंगो पर तुम ऑडियंस के काफी पास बैठे हो उस टाइम पे हां मे बी दैट मेन गेट इसी तरह सारे थिएटर आर्टिस्ट के लिए ऑडियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है लेकिन खिलौना में एन ऑडियंस हैज एन इवन ग्रेटर रोल टू प्ले क्योंकि जब ये ग्रुप शुरू हुआ था तो हमारे फाउंडर डायरेक्टर उस वीके शर्मा जी ने ये कसम खाई थी कि उनकी ऑडियंस पैसिव नहीं रहेगी वो पार्टिसिपेट करेगी यानी कि ऑडियंस बैठ के सिर्फ तमाशा नहीं देखेगी वो तमाशा करेगी भी वो गाने गाएगी हमारे साथ और कभी कभार स्टेज पर एक्ट भी करेगी तो ऑडियंस पार्टिसिपेशन होने की वजह से बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें होती है हम सोच के कुछ और जाते हैं और हो कुछ और ही जाता है जैसे लास्ट ईयर एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड चीज हमारे साथ हुई थी हमें चिल्ड्रंस डे पे CSOI ने इनवाइट किया था सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट क्लब है जहाँ पर सारे IAS ऑफिसर्स आते हैं तो हम वहाँ गए थे परफॉर्म करने के लिए तो जाहिर की बात है कि चिल्ड्रंस डे का शो है तो बहुत सारे बच्चे होंगे वहाँ पर हम भी यही सोच के गए थे तो जैसे ही ऑडियंस आनी शुरू हुई माँ कसम 50-60-70 साल के बच्चे आ रहे सफ़ेद बाल के साथ उनको देख के ये लगा कि यार ये क्या करेंगे यहाँ पर हमारे और गोल्डन फिश प्ले में बहुत ही ज्यादा ऑडियंस पार्टिसिपेशन है ऑडियंस तक डिसाइड करती है कि कौन सा रोल कौन करेगा मुझे ये लगा कि इनको समझ में भी आएगा हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर हमें लगा आज तो हम फ्लॉप होने वाले हैं अच्छे से लेकिन उसका उल्टा ही हुआ जैसे ही हमने परफॉर्म करना शुरू किया और ऑडियंस पार्टिसिपेशन आया तो जितने भी अंकल आंटी वहाँ पे बैठे हुए थे अंकल आंटी मत बोल हाँ जितने भी मैम और सर वहाँ पे बैठे हो रहे थे उन्होंने दबा के परफॉर्म किया इतने अच्छे से गाना गाया कई बार बच्चे भी उतने अच्छे से नहीं गाते अब ये अंकल आंटी बात वाली बात मैं बताता हूँ आपको तो मैं बूढ़ा मछुआरा होता हूँ उसमें तो मैं पूछता हूँ ऑडियंस से कि बताइए मैं अब क्या करूँ कुछ रिस्पांस नहीं आता मैं फिर से पूछता हूँ बताइए मैं क्या करूँ अब जब तक ऑडियंस जवाब नहीं देगी प्ले आगे बढ़ेगा नहीं तो मैं तीसरी बार बोलता हूँ एक आंटी की तरफ एक मैम की तरफ इशारा करते हुए आंटी बताइए ना मैं क्या करूँ तो उनको मेरा आंटी बोलना इतना बुरा नहीं लगा जितना उनके हस्बैंड को लगा
उन्होंने बोला ओ भाई मैडम बुला ले, आंटी नहीं है वो. सो दैट वॉज वेरी एम्बेरसिंग फॉर मी. और अगले दिन जब हमारे रिव्यू मिल रहा होता है तो एसोसिएट डायरेक्टर किरण मैम ने बोला आकाश मैम और आंटी में फर्क होता है, वो आईएएस ऑफिसर्स हैं, आंटी नहीं चलेगा उनके सामने. तो एक तो ये चीज थी. दूसरी चीज ये थी कि शो खत्म होने के बाद हमको पता चला कि वहां पर एक बच्ची भी आई हुई थी. क्योंकि उसके क्या होता है कि जब हम लोग प्ले खत्म करते हैं तो हम यूजुअली ऑडियंस के साथ बातचीत करते हैं, उनसे फीडबैक मांगते हैं. तो एक पेरेंट आए हुए थे वहां पे जिन्होंने फीडबैक दिए. अब वो फीडबैक क्या था देखिए. प्ले इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल फॉर मी टू टीच हर व्हाट ग्रीड इज. मम्मी एक और चॉकलेट, मम्मी 5 मिनट मोर टीवी. ओके दीज आर ग्रीड एंड दीज आर ग्रीड एंड दिस इज दिस मेक्स हर डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम हर स्टडीज. That when you do greed, then you will move out from your purpose of life. So for me to teach her greed, I can always go back and say, remember that play? Yeah. She was greedy and at the end she got nothing. You become greedy, at the end you get nothing. Okay. So for me, that's the takeaway from the play, that you pick up a moral value. Teach her in such a way that she understands. I mean, it's easy for us to say ki honesty kya hai. It's easy for us to say ki respect kya hai. But you know, the negative values of the human life, it's very difficult to teach to a 5-year, 6-year-old kid ki baba greed kya hai, jealousy kya hai, theek hai, competitiveness mein achhi baat kya hai, buri baat kya hai. It's absolutely a dilemma to teach. मुझे उस बच्ची के लिए बहुत बुरा लग रहा था. मतलब वहाँ लोग खड़े हुए हैं और उसके मम्मी पापा सबको बता रहे हैं ये ऐसे जिद करती है, चॉकलेट खाती है, इतनी ग्रीडी है. घर जाके पक्का उसने अपनी मम्मी को बोला है क्या खुले आम सबके सामने मेरी पोल खोल रहे हो. पर आई जस्ट वॉन्ट टू एड कि आई रियली वॉन्ट टू से थैंक यू टू दैट लेडी बिकॉज एट दैट टाइम ऑफ माई लाइफ आई वॉज फीलिंग वेरी कंफ्यूज एंड अनस्टेबल. आई फेल्ट लाइक मैंने गलती तो नहीं कर दी ये प्रोफेशन चूज करके इस लाइन में आकर. बट व्हेन आई हर्ड हर स्पीक आई फेल्ट लाइक आई हैव मेड अ डिफरेंस समवेयर इन समवन्स लाइफ एंड आई एम डूइंग द राइट थिंग. इट रिस्टोर्ड माय फेथ इन माय सेल्फ एंड आई वाज इंस्पायर्ड टू कैरी ऑन एंड कंटिन्यू टू डू. बहुत इंस्पायर हो गए. अब अपना किस्सा बता दू. ठीक है मैं बताती हूँ अपना किस्सा. मेरा सबसे फेवरेट किस्सा ऑडियंस पार्टिसिपेशन का ये है. गोल्डन फिश के शो में आकाश मछली को पकड़ लेता है विच इज मी. सोने की मछली पकड़ ली उसने. फिर वो ऑडियंस से पूछता है कि मैं क्या करूं, इसको मैं घर ले जाऊं अपने साथ या पानी में वापस छोड़ दूं. तो ऑडियंस कहती है कि इट्स अ सीरियस डिस्कशन लाइक वेरी सीरियस अगर छोड़ दूंगा तो मतलब छोड़ दूंगा तो मेरे पास कुछ खाने के लिए नहीं है. और अगर अरे अगर रख लिया तो फिर ले गया तो फिर मैं तो ये तो मर जाएगी बेचारी. तो ऑडियंस को पूछता है वो कि मैं क्या करूं. वो कहती है छोड़ दो. तो वो कहता है कि नहीं मैं खाली हाथ घर गया तो मेरी बीवी मेरा कीमा बना देगी. किसी एक बच्चे ने पकड़ लिया और उसने बोला तो कीमा खा लेना. फिर जो ऑडियंस हंसी और ये बंदा जो 24 घंटे कर रहा होता है इसके पास वहां एक शब्द नहीं था बोलने को. ही वाज स्पीचलेस. इट मेड माय डे एंड माय ईयर एंड माय लाइफ. आई एम वेरी हैप्पी इट हैपेंड. And thanks to VK sir, उन्होंने बात पलट के प्ले को आगे बढ़ा दिया. उन्होंने बोला हाँ very good news for night view और आगे बढ़ा. तो आप बताइए आपको क्या अच्छा लगा? कशिश जी. Oh well, मेरा भी एक ऐसा इंसिडेंट है जो आकाश को इन्वॉल्व करता है. तो ये हम लोग हाँ अगेन कुकड़ों को चिल्ड्रंस लिटरेचर फेस्टिवल में हम लोग जब कर रहे थे क्लाउन्स क्राई फॉर द मून तो आकाश करता स्केयरक्रो. एंड स्केयरक्रो को वो अपना हिंदी का नाम बताता है. उसमें वो बोलता है काग भगौड़ा नाम है मेरा काग भगौड़ा. तो फिर वो बच्चों से भी बुलवाता है बोल के देखिए काग भगौड़ा. तो अब एक बच्ची है तो जानबूझ करके उसका कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बनाया जा रही है. क्या बोल रही थी वो? ब्रेड का पकौड़ा नींबू निचोड़ा. तो इसने वो उसको बोला आप चुप रहिए. एंड दैट वाज अटरली हिलेरियस. हमको बोला जाता है कि जब आप ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करें हैव टू बी वेरी नाइस. जैसे होता है कस्टमर इज ऑलवेज राइट तो हमारे लिए होता है ऑडियंस इज ऑलवेज राइट. आप ऐसे नहीं बोल सकते शट अप या चुप रहो. हाँ लेकिन जहाँ पर 300 बच्चे बैठे हैं वहाँ पे सिर्फ एक बच्चा परेशान कर रहा है वहाँ पे ये अप्लाई किया जा सकता है. बहुत प्यार से लेकिन बहुत फर्मली चुप करा दिया उसको.
वो खुद भी हंस रही थी। तो एक किस्सा और है मेरे पास, क्या है कि हम लोग परफॉर्म कर रहे थे क्लाउन्स क्राई जोरबाद बुद्धा में, तो आरती जो है वो गुड़िया का रोल प्ले करती है इसमें। तो अब उसमें सीन होता है कि गुड़िया जो है वो जोकर के लिए खाना लेने जाती है अपनी नानी के पास, और उसकी नानी पूछती है क्या खाएगा तेरा जोकर। तो गुड़िया ऑडियंस से पूछती है मैं उसके लिए क्या लेके जाऊँ। तो यूजुअली जहाँ पर भी हमने ये प्ले किया है, सारे बच्चे जो बैठे होते हैं या बड़े भी, वो सब कहते हैं पिज्जा बर्गर पैटी चाउमीन आइसक्रीम ये सब लेकर जाओ। लेकिन उस शो में पहली बार ऐसा हुआ कि सामने जो बच्चे बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि रोटी लेके जाओ। फिर उसके पीछे कुछ और बच्चे बैठे थे, थोड़े से बड़े थे, उन्होंने कहा दाल सब्जी। और आरती ने उस टाइम पूछा उनसे आप लोग यही खाते हो क्या। फिर जो उनकी असलियत खुली, हर किसी ने बोलना शुरू किया नहीं पिज्जा लेके जाओ, नहीं पास्ता लेके जाओ, बर्गर लेके जाओ। मतलब वहां समझ आ रहा था कितनी चालाकी से अपने आप को बहुत अच्छा बना रहे हैं कि हम सब्जी रोटी खाएंगे। ये कब हुआ था? ये जोरबाद बुद्धा में हुआ था, तुम्हें याद नहीं है? मैं विंग से देख रहा था क्योंकि वो स्पेस बहुत छोटा है, बहुत कॉम्पैक्ट है, तो वहां पे हमको सब कुछ दिखाई दे रहा था कि क्या चल रहा है। मैं भूल ही गई थी, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग मी। दैट्स ऑल फ्रॉम अस टुडे। तो आप लोगों के पास भी अगर ऐसे कुछ बेहतरीन किस्से हैं जो आप हमें बताना चाहते हैं ऑडियंस से रिलेटेड, तो आप हमें बता सकते हैं। या शायद आपका किसी नाटक में आपका कोई इंटरेक्शन हुआ हो, आजकल और ग्रुप्स भी इंटरेक्टिव थिएटर कर रहे हैं। एंड टेक केयर, वी विल सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, बाय। और हमें लाइक जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, इट वुड हेल्प अस आउट, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स हु लाइक थिएटर और डोंट लाइक थिएटर, एंड वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।